हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए यहाँ पे गियल 2022 में वैकेंसी निकली हैं, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच हैं, बीटेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी रहेगी 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में, क्योंकि अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी है। ठीक है, लास्ट डेट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लास्ट डेट जो है वो कल की है, 10/4/2023। ठीक है, 10 अप्रैल। तो पोस्ट है 104, हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा नहीं होगा, तो इस फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गेल गैस लिमिटेड, मतलब गेल जो कंपनी है वो गैस की है। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन इन गेल गैस लिमिटेड अंडर फिक्स टर्म एम्प्लॉय स्कीम। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय की एफटीई की वैकेंसी है, 3 साल तक यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 साल विच एक्सटेंड 2 ईयर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पोस्ट देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। सीनियर एसोसिएट टेक्निकल, जिसमें 31 वैकेंसी हैं अनरिजर्व में। ठीक है, टोटल 72 वैकेंसी, 72। यहाँ पे हम बात करेंगे एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी में तो 12 वैकेंसी हैं, सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग में अगर बात करें तो 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अकाउंट की बात करें, अगर फाइनेंस अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे देखिए सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स एचआर में 6 वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। तो टोटल जो हो गई वैकेंसी वो 104 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो सारी पोस्ट आपके सामने, वो मैंने आपको बता दी है सारी पोस्ट, 6 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें टेक्निकल एसोसिएट है, उसके बाद फायर एंड सेफ्टी है, मार्केटिंग है, फाइनेंस अकाउंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसमें पीडब्ल्यूडी में भी डिवाइड कर रखा है इन्होंने इस तरीके से, तो ये देख लेना आप अपना। तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे हम बात करें, अलग से वैकेंसी और दे रखी है जूनियर एसोसिएट टेक्निकल, जिसमें 16 वैकेंसी, ये डिप्लोमा वालों की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, और ये पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है। तो आगे बात करें, देखो ध्यान से देखिएगा, टेबल नंबर जो 3 है उसमें देखो क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। जैसे पोस्ट आपकी जो है सीनियर एसोसिएट टेक्निकल, तो इसमें देखो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ये आप भर सकते हो। 50% मार्क्स आपसे मांगा हुआ है, एंड सिविल विद सिविल भी मांगा हुआ है। ठीक है, तो आप भर सकते हो, आपने इंजीनियरिंग डिग्री करी है तो। और मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, तो 2 साल का यहाँ पे आपका वो मांगा है एक्सपीरियंस। ठीक है, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पे चलेगा। ठीक है, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी वहाँ पे दिखाया है इसने। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, फायर एंड सेफ्टी में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए एसोसिएट मार्केटिंग में आपको पास होनी चाहिए 2 ईयर MBA अगर आपने करी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अकाउंट्स में आपने CA CMA ये आपने करा है, फुल टाइम MBA करा है तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है, अपर एज 32 ईयर है, 32 ईयर तक आप भर सकते हो। एंड यहाँ पे सेक्रेटरी एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी में, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी एंड ह्यूमन रिसोर्स में आपने अगर MBA करी है, MS करा है, PG करा है, डिप्लोमा करा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जूनियर एसोसिएट टेक्निकल। तो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल में फुल टाइम आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे बहुत सारी ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, बहुत सारी ब्रांच है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 32 ईयर तक आपकी एज लिमिट हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं भाई, अपर एज लिमिट तो मैंने बता दिया है, छूट जो होती है एज रिलैक्सेशन में वो आपको पता होना चाहिए। SC ST में 5 साल के, OBC में 3 साल और PWD में 10 साल की। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आपकी जो सैलरी जो रहेगी वो देखो, यहाँ पे जो BTEC वाले हैं वो 60,000 पर मंथ, एंड मान लो कि जूनियर असिस्टेंट है उनकी 40,000 रुपये पर सैलरी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
प्लेसमेंट, ये चीज़ें एप्लीकेशन के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में देखो आपकी 100 रुपये फीस लगेगी, ठीक है, 100 रुपये फीस यहाँ पे लगने वाली है। और एससी एसटी के लिए जो भी रहेगी वो फीस नहीं रहेगी, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है एससी एसटी के लिए फीस नहीं रहेगी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करोगे देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लिंक है वो पूरी मैं आपको दे दूँगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सारी चीज़ें तो इसको आप फॉर्म भर लीजिए जल्दी से, क्योंकि 10/4 तक यहाँ पे लास्ट डेट है, ठीक है, ये देखो लास्ट डेट दिखाइए 10/4 तक, तो आज ही भर लो इस फॉर्म को, ठीक है, जिसके पास मतलब एक्सपीरियंस है। तो बाकी और सिलेक्शन प्रोसेस में देखो क्या होगा, सीनियर सोसाइटी में रिटन टेस्ट भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, जूनियर सोसाइटी में रिटन टेस्ट भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा इसमें, तो ये चीज़ें हो गई, तो ध्यान से देखिएगा पूरा और फॉर्म को पूरा भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये लास्ट डेट है, मैंने यहाँ पे बता दी है आपको पहले से कि 10/4 कल की लास्ट डेट है, टिल 18 मतलब आपकी लगभग 6 बजे तक लगभग शाम को, ठीक है, आज ही भर लो फॉर्म जितना हो सके आज या कल में, और इसकी तैयारी करिए आप, 1-1.5-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, जल्दी हो जाते हैं बीएसयू के एग्ज़ाम, ठीक है। और इसकी जो लिंक है वो मैं अभी जस्ट दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म फिल अप्लाई फॉर्म फिल ऐसे करके लिखा होगा, तो आप क्या करोगे उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। बाकी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दिया करो भाई, जो भी पुराने मेरे दोस्त हैं भाई वो शेयर कर दिया करो। क्या है कि बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिला था तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था, अभी क्या नोटिफिकेशन जो मिला करेगी डिप्लोमा बेसिस पे या फिर बीटेक बेसिस पे वो मैं आपको बना दिया करूँगा वीडियो, ठीक है। एजुकेशन वाली वीडियो क्या है कि एजुकेशन वाली वीडियो जो है वो उसमें क्या है एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है बहुत सारी, पीडीएफ का हमारा कोर्स देख सकते हो। आप क्या करो एमआरके स्टडी का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एमआरके स्टडी अगर ये प्ले स्टोर पर डालोगे तो आपको एमआरके स्टडी का एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसमें मैकेनिकल की बहुत सारी पीडीएफ आपको पड़ेगी बहुत सस्ते दाम में, 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से, आप एक बार उसको देखिएगा उसके बाद ही लेना, ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो। जैसे आप पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, नए स्टूडेंट को नहीं पता अभी, तो पहले आप वीडियो देखिएगा मेरे पूरे, जो भी आपको पसंद आए तो ही लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम निकालिए, चलिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।